लव मैरिज बनाम अरेंज मैरिज एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर सहमति एवं असहमति को लेकर भारत में हमेशा ही बहस होती रही है। इस मुद्दे पर हर किसी का अपना मत है और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन अपने नए धारावाहिक लव मैरिज या अरेंज मैरिज के माध्यम से इस बहस को एक नया मोड़ देने जा रहे हैं। इसमें दो पक्की सहेलियों की कहानी दिखाई गई है जिनका व्यवहार और विचार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है तथा इस मुद्दे पर उन दोनों की सोच भी अलग अलग है। धारावाहिक में दो सहेलियां मानसी और शिवानी से मिलिए। मानसी अरेंज मैरिज को सही मानती है और उसके माता पिता उसके लिए जिस लड़की को पसंद करेंगे वह उससे ही शादी करेगी। वही दूसरी और शिवानी लव मैरिज में विश्वास करती है। स्पीयर ऑरिजिनल्स मल्टीविजन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित इस धारावाहिक की कहानी बॉलीवुड के मशहूर लेखक कमलेश पांडे ने लिखी है। इस नए सीरियल में दो सहेलियों की जिंदगी के सफर को दिखाया जाएगा जिनका शादी के प्रति नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। हालांकि दोनों ही एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के सपने बुन रही है। अनूप, आई एम प्लेइंग अनूप, एक पायलट है, एक इंट्रोवर्ट लोन और रिजर्व किस्म का इंसान है जो रिलेशनशिप्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बहुत ज़्यादा दूर है रिश्तों से और बहुत शांत रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। आई थिंक आई वुड कॉल इट लाइक अ कोकोनट, बहुत इंटरनली आई एम श्योर मस्ट बी वेरी इमोशनल। दिस गर्ल कम्स मानसी वुड बी वाइफ जो आके उस कोकोनट को ब्रेक करेगी, बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारे लेयर्स उसमें से निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, बहुत सारी डिस्कवरी होगी विद बोथ द ह्यूमन बींग्स। आई वुड से मानसी इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ अरेंज मैरिज और ये बिलीफ उसमें इसीलिए आया बिकॉज वो एक क्लोज नेट फैमिली से आती है, उदयपुर की रहने वाली है, काफ़ी हाईली एडुकेटेड है, चैम्पियन रही है डिबेट में, सॉरी तो बेसिकली कॉन्फिडेंट बबली लड़की है और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है शिवानी जिससे उसकी बहस होती ही रहती है लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर, लेकिन बाकी जो भी है सब कुछ शेयर करती है उसके साथ। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब लोग पहने तो अरेंज मैरिज, अगर नहीं नहीं सब लोग यही पूछ रहे हैं आपने ये पहना इसके लिए आप अरेंज मैरिज हो, ऐसा नहीं है। बेसिकली मैं उदयपुर की रहने वाली बिकॉज वो बिलीव है, मैं उस फैमिली से आई हूँ जो बिलीव करता है जो माँ बाप डिसाइड करेंगे वही सही है बेटा। कहीं कैसे सर थोड़ा मातृदेवो भव पितृदेवो भव, सुना 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 है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मतलब माता पिता भगवान का रूप होते हैं, भगवान ने कह दिया तो हाँ तुम्हारा नहीं, लेकिन कहीं ऐसे दिमाग में छोटा सा एक लाइक लव अगर मैं पेरेंट्स को बोलूँ तो वो नहीं मानेंगे ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, बचपन से लव के बारे में कभी सोचा ही नहीं, हमेशा सोचा तो अरेंज मैरिज के बारे में। और आपकी एक फ्रेंड है लेकिन आपकी बेस्ट फ्रेंड है फिर भी आप में डिबेट होता है इसको इसी टॉपिक पे? हाँ बस यही टॉपिक पे हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती रहती है, बाकी हर टॉपिक पे हम इतने मिलजुल कर रहते हैं, इतने मिलजुल कर रहते हैं कि आप देखते रह जाओगे। हाँ हाँ बहने लगे, बहने सीरियल बंद हो गया कुछ साफ लग कमाल कर सच बोल थक चुके हैं। अच्छा ठीक है, आपको कुछ बताइए लाइक इनके रिलेशन के बारे में, इनके फ्रेंड और उनके रिलेशन। शूटिंग ने शुरू हुई क्या बताऊंगा मैं, पूछ लेकिन बताता हूं। हाँ क्या जानना चाहता है वो? लाइक इनके और उनके फ्रेंड का रिलेशन है तो आप लाइक किसको सपोर्ट करेंगे अरेंज लव मैरिज? मैं अपनी बीवी को सपोर्ट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, अरेंज मैरिज बीवी अभी तक हां तो बनेगी ना शो में, शो का मतलब ही मैरिज से, दोनों में मैरिज कॉमन है तो शो शादी से शुरू होगा। सपोर्ट करते हैं अरेंज मैरिज को? क्यों सपोर्ट करते हैं अरेंज मैरिज को? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अरेंज मैरिज के थ्रू आई थिंक सुलझ जाती हैं जो लव मैरिज में नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, पहले लव करो फिर लड़की को बताओ, ठीक है फिर उसके माँ बाप को बताओ, फिर अपने माँ बाप को बताओ, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन हो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो फिर अब क्या अरेंज मैरिज में कोई टेंशन वाली बात तो नहीं, अपने माँ बाप सेट कर लेते हैं, देखते हैं माँ बाप ही तय कर लेते, माँ बाप देखते हैं, माँ बाप तय करते हैं, माँ बाप शादी कर देते हैं, आगे बढ़ जाती है कहानी। जो आप व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं उनसे आप लाइक क्या कहना चाहेंगे जिनके दिमाग में थोड़ा मैरिज को लेके? यार ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करता है, लव को सपोर्ट नहीं करता, लव शादी से पहले हो शादी के बाद हो, लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो बात एक ही है। बस इतना कहूँगा कि गलत डिसीजंस मत लीजिए, आई थिंक शी पॉइंटेड आउट वेरी वेल, डू नॉट टेक एनी हेस्टी डिसीजंस, आपके ही माँ बाप हैं, आपको अच्छे से प्यार करते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि जिंदगी में कोई भी रिलेशनशिप हो आपके माँ बाप से बढ़कर नहीं हो सकता। आई थिंक योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर, योर फादर, दे आर द पीपल हु रियली लव यू, टेक केयर ऑफ यू। अब क्या हो गया कुछ टाइम में हम अपने स्पाउस को या अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी ज़्यादा अहमियत दे देते हैं कि अपने माँ बाप को नीचे कर देते हैं, तो ये नहीं करें अपने माँ बाप को, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपकी बेहतरी के बारे में कोई नहीं सोच सकता।